डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न ए गुड क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. दिस इज ए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, SSC में आने वाला क्वेश्चन है. सो लेट्स सी, इफ ए प्लस बी इज टू सी इज इक्वल टू 7:2 एंड बी प्लस सी इज टू ए इज इक्वल टू 5:1, देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू 7:2, ये दिया है. सिमिलरली यहाँ पे हमको दिया है बी प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 5:1. अभी हम इस दोनों कंडीशन को देख लिए हैं, क्या करेंगे, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे. लेट्स सी, सो फ्रॉम हियर आई कैन से इसको पलटा देने से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ए बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:5, और आई कैन से ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 5. ए का वैल्यू आ गया बी प्लस सी बाई 5. इसी चीज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज ए के जगह में आई कैन राइट डाउन बी प्लस सी बाई 5 प्लस बी होल अपॉन सी इज इक्वल टू 7:2. ना इफ ऊपर का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 5 एंड यहाँ पे हमारा बी प्लस सी एंड 5 × b, दिस बिकम्स 5b होल डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 7:2. ना इफ यू सॉल्व दिस, 5b प्लस बी बिकम्स 6b प्लस सी एंड 5 नीचे आ जाएगा, सो दिस इज 5c, दैट इज इक्वल टू 7:2. नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा, 2 6 जा दैट बिकम्स 12b प्लस 2c, 5 7 जा दिस बिकम्स 35c. 2c इस तरफ आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 12b इज इक्वल टू 35 - 2, दैट इज 33c. 3 का मल्टीपल है निकाल देंगे, 3 11 जा 33 एंड 3 4 जा 12, सो दिस बिकम्स 4b इज इक्वल टू 11c. एक कंडीशन मिल गया हमको, अगर ये दोनों इक्वल है, मान लेते हैं कि ये इज इक्वल टू लेट से के. कहने का मतलब है 4b इज इक्वल टू के है, यहाँ से हमको पता चल गया b इज इक्वल टू के बाई 4. सिमिलरली 11c भी k है, इसका मतलब क्या है, c इज इक्वल टू के बाई 11. तो हमको c मिल गया के बाई 11, b मिल गया के बाई 4. तभी हम क्या करेंगे, ये b प्लस सी यहाँ पुट कर देंगे, सो हमको a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू b प्लस सी बाई 5. सो b हमारा क्या है, b इज के बाई 4, सो विल राइट k बाई 4 प्लस c इज के बाई 11, c इज के बाई 11 होल डिवाइडेड बाई 5. ऊपर का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 11k प्लस 4k बाई 44, नीचे आ जाएगा इंटू 5. सो ऊपर हो गया हमारा 15k बाई 44 इंटू 5 3 15, सो हमको a मिल गया 3k बाई 44, हमको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया. सो नाउ यू कैन से a इज टू b इज टू c, का मतलब है दिस इज 3k बाई 44 इज टू b का वैल्यू है k बाई 4, एंड c का वैल्यू है k बाई 11, k बाई 11. तीनों का k कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है. अभी LCM देखोगे 44, 11 एंड 4 का LCM इज 44, थ्रू आउट 44 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज 3/44 इंटू 44 इज टू 1/4 इंटू 44 इज टू 1/11 इंटू 44. तो 44 कैंसिल, यहाँ 4 11 ज़ा 44, यहाँ 11 4 ज़ा 44. सो द आंसर आ रहा है हमको 3:11:1, दैट इज 11:4:1, दैट इज 4. सो 3:11:4, a:b:c is 3:11:4. थैंक यू सो मच.